बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। आओ बताऊं तुमको मैं इनसे आसान की ये बातें कैसे तुमको बेवकूफ बना दे, ताकि आशना कर सके इनकी औलादे। झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। अस्सलाम वालेकुम सब, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम समन, आप सुनाए कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक। भोले से मुलाकात हुई? भोले से भी मुलाकात हुई, और ये खबरों में भी बड़ी अजीब आजकल पाकिस्तान में एक हवा चल पड़ी है। जमान पार्क पे भी इन्होंने पिछले दिनों कुछ छापे छापे मारे हैं, तो वहां से बड़ा कोई असला शसला कटा, वो क्या चक्कर है समन आपी? अच्छा भैया, असलहे की तो हाँ, राणा साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। जरा देखिए स्टेटमेंट राणा साहब ने दिया है कि जी 16 राइफलें ही नहीं मिली, बल्कि शरपसंद कल अदम तंजीमों के लोग मिले। और वो जरा देखिए राइफलें, और वो क्या क्या ये छुपा के कपड़ों में अंदर जा रही हैं, तो ये देख लें आप जरा ये क्या क्या मिला है। ये तो लग रहा है ये जमान पार्क की एंट्रेंस पिक्चर से लग रही है मुझे, तो ये तो अंदर जा रहा है, ये अंदर छुपा के लेके क्या जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आई। क्या इन्हीं राइफलों की गल कर रहे हैं राणा साहब? ऐसा ही लगता है, जरा कुछ ये वीडियोस देख लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। आप लोग जब उस कमरे में गए हैं तो वहां पर वेपन नहीं थे जब आप लोग पहले? हाँ जी, देखें हमसे पहले पुलिस वाले गए हैं। ओके, पुलिस वालों ने वहां से 2-3 बंदे गिरफ्तार भी किए हैं। Okay. एक खानसामा है, एक गार्ड है, स्टाफ था, एक ये खेमे ये पानी वगैरह नहीं देते, हाँ। एक माली था। ओके okay. अच्छा मैं सवाल सब ये है, जो पहले पुलिस वाले उस कमरों में गए उन्होंने सर्च किया, सारा कुछ तितर बितर हुआ हुआ था, तो वो गने जो अब पुलिस वालों को मिल गई एकदम, उन्होंने जाके चादरों में से एकदम निकाल ली, उनको नहीं मिली, उनको नहीं मिली थी, इनको मिल गई पास निकली भी। आई थिंक AK-47 है सारी। सर अब ये तो मैं इतना असला का एक्सपर्ट नहीं हूँ, गने लंबी लंबी थी, थी। लेकिन पता है सर AK-47 निकली है सारी की सारी। नहीं खान साहब ने क्या AK-47 के अंदर दुकान लगाई हुई थी जिथे वो AK-47 बेचते सन, एक ही ब्रांड की गन निकली है उनके पास, और कोई गन नहीं थी। ये तो इनका बड़ा पुराना समन आपी, ये तो पंजाब पुलिस की, मैं इसलिए इनकी बातों का ज्यादा एतबार भी नहीं करता, ये तो हिरन को हाथी साबित करने वाली पुलिस फोर्स है, इनका क्या अतबार है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब चले, ये तो जर्नलिस्ट हैं, आप कहते हैं कि जर्नलिस्ट हमारे होते हैं, वो ये वाली बातें करते हैं। एतजाज अहसन साहब तो एक बहुत ही महनाज वकील हैं, और बल्कि तो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं। दो घंटे बाद गया वहाँ, एक चीज बता दूं, ये कहते हैं जी वहाँ से बड़ा असला निकला, असला निकला। मैं इनके रेड के कोई 2 घंटे बाद गया वहाँ सारा मीडिया था, वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो लोग वहाँ उस वक्त मौजूद थे जब ये रेड हुआ, जो रेड हुआ कोई 100-200 लोग थे जो रेड के वक्त मौजूद थे, और मीडिया मौजूद था, मीडिया ने इनकी तस्वीरें ली, इनको आते जाते देखा, लेकिन जिस वक्त पुलिस घर के अंदर चली गई उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और सिवाय पुलिस के किसी और को अंदर जाने नहीं दिया। अब वो जब किसी और को आप जाने ना दें तो आप जो मर्जी बरामद कर लें, फिर ये है कि जब मैं मार रहा हूँ, ये मार दादिया मारिया सुनने वाली बात है, मैं जितनी देर वहां रहा हूँ 1 घंटा रहा हूँ, मीडिया ने मुझे घंटे से ज्यादा रहा, मीडिया ने मुझे बड़े सवाल किए, मैंने मीडिया टॉक की, किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी साफी ने पूछा नहीं कि जी यहाँ से असला बरामद होके गया है, ये असला इन्होंने कहीं और ही बरामद किया है। ये देखिए जी, ये यहाँ से बरामद किया है। एक और मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने भी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखी है, असला तो उन्होंने 16 राइफलें काट ली, तो वो उसमें डालने वाली गोलियां तो मैगजीन, तो वो क्या खाली कबूतर मारने के लिए रखे हुए थे AK-47? यार अजीब राणा साहब बातें करते हो तुसी। नहीं तो कबूतर भी किस चीज से मारेंगे, क्योंकि कोई मैगजीन वगैरह तो नहीं निकले, और मुंह से मारेंगे ठिशू ठिशू करके राणा साहब की तरह जिस तरह ये मारते हैं। अच्छा एक और भी इन्होंने वो बड़ा इन्होंने चुका हुआ मसला कि जी पेट्रोल बम शम मारे हैं पीटीआई वालों ने जमान पार्क में, इससे अंदर से पुलिस के ऊपर और रेंजर्स के ऊपर। हाँ ये मेरा ख्याल में नून लीग वालों ने वो किया था, ट्वीट किया था ना? हाँ इन्होंने ट्वीट भी किया, मरियम साहबा ने बोला, स्टूडियो वाले पाइप दिखाना जरा, ट्वीट वीडियो भी दिखाना वो जिसमें फेंक रहा पेट्रोल बम, ये देखें जी। हाँ
ये वाली वीडियो और ये देखिए, ये वो स्टिल है, वो तस्वीर का देखा, ये उसी स्टिल जो है ये उसी वीडियो में से लिया गया था, मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ पे वो जब वीडियो चल रही थी मुसब। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ओ भाई, वो यहाँ कहीं नहीं, ये तो जमान पार्क है ही नहीं, ये तो लाल मस्जिद पे जो हमला हुआ था उसकी वीडियो है, ये तो जो मुशर्रफ के जमाने में हुआ था लाल मस्जिद में। हेलो, इनके हालात वाकई, ये गेट वैसे आप देखें, ये तो जमान पार्क का गेट इस तरह का था ही नहीं, जो उन्होंने तोड़ा भी था, जो पुरानी पिक्चर है वो भी मैंने देखी है जमान पार्क की, उसमें भी गेट मुख्तलिफ था, लेकिन पेट्रोल बम भी तो निकले हैं ना इनके पास से जी। अच्छा, तो वो जरा स्टूडियो जरा दिखाइए पेट्रोल बम का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हम इमरान खान साहब घर के अंदर बिल्कुल मौजूद है, यहाँ पे शदीद किस्म तोड़फोड़ कर दी गई है। ये वीडियो मैसेज जो आपको बनाने का मकसद है ना, ये बड़ा अहम है। यहाँ से पुलिस ने ये पीच माल्ट और ये देखें लेमन माल्ट की यहाँ से बोतलें, जितने कंटेनर पड़े हुए थे मेहमानों के लिए, ये जूसेस पड़े हुए थे, बोतलें पड़ी हुई थी, ये यहाँ से पुलिस वाले उठा के ले गए हैं। और आप उस पर ये मुख्तलिफ किस्म का ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कभी इस पर कह रहे हैं जी ये शराब है, कभी कह रहे हैं कि ये पेट्रोल पम्प है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देखें, कई बार थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये पीच माल्ट है, ये लेमन माल्ट है, ये दोनों बोतलें मेरे सामने हैं, और यहाँ पे पुलिस वाले खुद भी पीते रहे हैं, और आप ये उठा के यहाँ से ले गए हैं, और आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि टीटो पार्टी कर रहे हैं कि जी यहाँ पर पेट्रोल पम्प है, जी यहाँ पे शराब पीती जा रही है, क्या ये पेट्रोल पम्प है, ये शराब है? अगर ये पेट्रोल है तो मैं तैयबा अगर आप कहें थोड़ी सी इसको पी के दिखा देता हूँ, ताकि ये पेट्रोल मैं पीता हूँ और मुझे कुछ होता है या नहीं। ये भाई, ये लेमन माल्ट है, ये देखें इसमें हमने मेडिसिन रखी है, और यहाँ से आप ये देखें, हमने दो बोतल पी के दिखाई है, अभी ये भी मैं दूसरी खोलूंगा और ये भी पीऊंगा, फिर आप बताइएगा ये कौन सी शराब है, ये कौन सा पेट्रोल पम्प है। ये देखें इतनी बड़ी तबाही पीछे कर दी गई है, ये देखिए तैयबा दिखाइए, ये देखिए ये सामने जो इमरान खान साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली वो भी तोड़, ये देखा आपने। अच्छा, तस्वीर भी थी जो मरियम बीबी ने ट्वीट की थी, स्टूडियो वो तर तस्वीर, ये देखिए जी, ये रहे पेट्रोल बम। ओ खान साहब कहते हैं ना अक्सर अपनी तकरीर में कि ये जाहिल हैं और इनको पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है, एक तो ज्यादा पढ़ा लिखे ने है नहीं, और ऊपर से इल्म हासिल करने का शौक भी नहीं है। वो पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतल में कौन डालता है बीबी, पेट्रोल तो प्लास्टिक की बोतल ही जल जाएगी, उसका फायदा क्या है, वो तो जिस तरह कागज जलता है वो उस तरह जल जाएगी, पता और कोई इंग्लिश मूवी देख लेता है बंदे को पता लग जाता है कि यार ग्लास की बोतल में मारी दी है, तो सिंडी की बोतलों को ये लोग जनाब माल्ट की बोतलों को अजीब, इनके तो इनको कहते उनको कहते ना लमियन से अकल ही छीन ली है, इनकी आंखों पे पर्दा डाल गया, इनको समझ ही नहीं आता है बिल्कुल, मतलब इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि जिसके कोई हद नहीं है, मतलब अब तो मुझे लगता है भोले जैसे भी भोले नहीं बन सकते इनसे। इसको देख के कौन, मैं पेट्रोल लेने जा रहा हूँ तो क्या इसका मतलब है, मैं अब तो मैं 7-Up की बोतल में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता, खैर 25 रुपए का पेट्रोल आता ही नहीं है, लेकिन मैं अब कभी कभी बंदे को जरूरत पड़ जाती है, बंदा ऐसे डर में पेट्रोल ना भरवाए, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि डर लगता है अब तो कि 7-Up की पेप्सी की बोतल घर में होगी तो ये कहेंगे कि इसमें भी पेट्रोल बम है। हाँ, को इनका कोई पता थोड़ी है, ये तो जिस तरह लोग उठाते हैं और जो इनके भाई अभी तक को जो मीडिया पे अगर आप देखें जो इनका तरीका कार है वो तो ऐसे ही है जी, आप राह चलते जा रहे हो तो कहेंगे तुसी दहशत गर्द अंदर हो जाओ, बुखला गए जरा देखिए कि किस किस को दहशत गर्द है, वो आम पाकिस्तानियों को कहते हैं सारे के सारे जो है वो 22 करोड़ लोग दहशत गर्द है, जरा देखिए हमारे पढ़े लिखे लोग जो इंग्लिस्तान से आए हैं, वो लॉयर है कोई, कोई वकील है, कोई कुछ है। और अपना अजहर मशवानी बेचारा मिडिल क्लास का मासूम सा लड़का जो हर कोई उसको सालों से जानता है, जहां जहां जानते हैं जो जो जानते हैं वो यही कहते हैं कि इससे ज्यादा प्यारा कोई बच्चा नहीं है, उसको कहते हैं गायब किया हुआ है, उसको नामालूम अफराद ने उसको लापता कर दिया है, इनसे घूम गया है। ये देखिए जरा ये बच्चे देखिए, ये 3 बच्चे, एक 12 साल का, एक 13 साल का, एक 14 साल का, इनको ये कहते हैं कि ये पीटीआई के दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं, बताइए आप जरा मुझे।
बंदा इन्हों पूछे यार तुम्हारे कहने से जिसको तुम बोलोगे वो हो जाएगा, 12-13-14 साल के बच्चे इतनी तो बंदे में, खैर जिन लोगों ने एक औरत का हया नहीं किया जमान पार पे हमला कर दिया वो बच्चों का हया कहाँ से करेंगे। और पढ़े लिखे लोगों को तो जारी बात है जो जाहिल होता है उसको पढ़े लिखे लोगों को वैसे ही अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने इसलिए बंद किया। बिल्कुल, ये देखिए ये यहाँ तक जुल्म के, ये जो हमारे बेचारे मासूम जो घर में खाली ट्वीट करते हैं उनको कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है। और दहशतगर्दी क्या होती है, ये सिर्फ पार्टी के वर्करों को नहीं उठा रहे हैं, तो उनके घर पे जाके बच्चे उठा लेते हैं, उनका वो बच्चा खुद नहीं मिला वो बच्चा तो उसके भाई को उठा के ले गए, उसके वालिद को उठा के ले गए, ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए ये वो नुमान बेचारा खान साहब का फोटोग्राफर, वो वहां पे साथ साथ तस्वीरें खींचने के लिए कोर्ट पे, वहां से उसको उठा के ले गए। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये तो सोशल मीडिया को कुछ समझते नहीं थे तो अब इनको ये क्या, इनसे टेंशन होगी कि सोशल मीडिया के बंदे इन्होंने उठा लिए सारे के सारे। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये अब अपने साये से भी डरते हैं, ये इतने बौखला गए हैं कि इनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। उधर राणा सनाउल्लाह धमकी दे रहा है, उधर वो मरियम औरंगजेब कहती है वो खान साहब 10 नुकात बता रहे हैं माशी सुधारने के लिए, मईशत सुधारने के लिए, तो कह रही है उनको 10 चमाट मार दो। मतलब ये तो इनकी हालत है, एथे लोका नु आटा नहीं मिल रहा तू चमाट। वैसे इसका नाम किसी ने सही रखा है, अब औरत है मैं उसको कुछ कहता नहीं, लेकिन चले बराल। इन्होंने वो किसी की वीडियो भी तो डाली थी ना, कोई पठान आप मुझे बता रही थी जिसकी क्या नाम है, मैं आपको दिखाती हूँ वो दिखे जरा। इन्होंने जिस तरह से पहले बंगालियों को बेचारे हमारे बांग्लादेशी भाइयों के को किया था, इस तरह पश्तून भाइयों को के साथ कर रहे हैं, ये जरा दिखाइएगा कि कौन सा दहशतगर्द पकड़ा है। मेरा नाम जफर अली खान है, ये देखिए वालिद साहब का नाम जमील अहमद खान है, दो दीर लोर से मेरा ताल्लुक है, तो मेरा तो पीटीआई से भी कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जमान पार्क के हवाले से जो ट्विटर के ऊपर बात चल रही है ये बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, ना तो मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक है और ना टीटीपी से कोई ताल्लुक है। टीटीपी वाले तो मुल्क और इस्लाम के दुश्मन है, तो वो तो हमारे सबके मिलकर दुश्मन है। बाकी ये टीटीपी वाला बंदा था, कल अदम जमात का बंदा था, ये देखिए ये पूरी उसकी पीटीआई के वो करके इनके ऊपर केस बना दिया। कुछ नहीं, ये इन्होंने पहले भी किया है पश्तूनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कराची में माजरों से। जो तस्वीर लिए गए हैं ये मेरे शनाख्ती कार्ड से ली गई है, ये देखिए जरा। यानी कि ये चाहते हैं कि अब बंदा घर से भी ना निकले, क्योंकि इनके हाथ तो जो भी चढ़ता है ये जिसका दिल करे उसको वीडियो में डाल दें, तो बंदा पिटियाई का ही नहीं है ये, तो इसको ये कहां से उठा, ये तो इसका तो मैंने ये भी सुना है ये जमान पार्क में कभी था ही नहीं, ये तो लोअर दीर ही बैठा हुआ था। बिल्कुल, ये तो था ही नहीं वहां पे जमान पार्क में, ये भाई तो बेचारे अपने लोअर दीर में रहे, अपने जहाँ पे जो इनकी दुकान है जो कारखाना है या जो भी काम करते हैं वो तो वहां थे, तो ये इस हद तक तो झूठ बोलते हैं ये लोग। तो अब आप बताइए जरा, खैर वो बात फिर वही आ जाती है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो जब छापे मारने हो वन थोड़ा खब्बे सजे किसे सियाने बंदे को लो पूछ के कॉपियां मारा करो, एवं फिर मैं कहूंगा तुम्हें कि झूठ बोले तो कब्बा काटे।